चलिए आज एक और अपने नए स्टूडेंट से मिलते हैं प्रकाश शाह से, जिनकी ऑल इंडिया 217 रैंक है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह कि प्रकाश एक तो झारखंड से और इन्होंने फाइनल के साथ ये रैंक अचीव किए। तो प्रकाश, सबसे पहले एनआईटी इलाहाबाद के लिए ढेर सारी बधाई बधाई बधाई। थैंक यू सर। सर इसमें आपका और प्रतीक सर का बहुत बड़ा योगदान है सर, आपकी गाइडेंस और मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है सर। वेरी गुड प्रकाश। अच्छा प्रकाश के बारे में, प्रकाश मैं चाहूंगा क्योंकि आपने फाइनल के साथ ये रैंक अचीव की है और हर बच्चा जो फाइनल में या सेकंड ईयर में होता है उसके मन में ये डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगा क्योंकि ये इंटरव्यू 100% आपका होता है, आपके जो व्यू होते हैं, जो आपका सोच होता है उससे कहीं ना कहीं बच्चा क्लिक करता है। तो आपने सबसे पहले निमसेट के लिए कब सोचा था, किस ईयर में, फिर आपने सोचने के बाद क्या एक्शन लिया, फिर आपने घर पे ऑनलाइन रह के पढ़ाई की, कैसे आपको आपने पढ़ाई की, कौन सी बुक की, दूसरा आपने ये जो आपकी 217 रैंक आई है, कई बच्चे में पिछले कुछ इंटरव्यू में भूल गया था, मार्क्स पूछना चाहते हैं कि आपके किस किस सेक्शन में कितने कितने मार्क्स थे, किस किस सेक्शन में कैसा परफॉर्म किया, तो मैं चाहूंगा आप अपनी सक्सेस स्टोरी डिटेल में बताओ। ओके सर, पहले सर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैंने सर अपना 12th तक अपने होम टाउन से किया है, अपने गाँव का थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो 12th में सर हमको IIT जेईई के बारे में पता चला था और सर तो सर वहां पे मैंने उसका फॉर्म भरा था, मतलब वहां से था सर मेरा सपना कि मतलब IIT के बारे में चला तो जाना था उस कॉलेज में। तो 12th के बाद उसी टाइम मैंने फॉर्म भरा था तो नहीं हुआ था सिलेक्शन। तो सर मैंने रांची में गया था, उसके बाद मैं गया रांची, तो वहां पे सर मैंने BCA में एडमिशन ले लिया। तो सर सेकेंड ईयर में आपका ही यूट्यूब पर वीडियो से पता चला था कि MCA होता है और इससे NIT कॉलेज में जा सकते हैं। तो सर मेरे सेकेंड ईयर से थोड़ा सा खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, सेल्फ स्कोर बुक था मेरे पास लेकिन खुद से नहीं हो पा रहा था। तो सर मैंने लॉकडाउन के बाद अगस्त में 2020 में सीरियसली स्टार्ट किए थे सर। तो फिर वहां से मैंने खुद से पढ़ाई किया और लोकल कोचिंग में ज्वाइन भी किया था बट ऑनलाइन में उतना सर नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा था उनसे। तो फिर मैंने किया उसे और आपका मैंने टेस्ट सीरीज का एक्सीडेंट हुआ। तो फरवरी 21 को मैंने आपका ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज और सर वहां से फिर बहुत अच्छा सर आप गाइडेंस किए और आपका टेस्ट सीरीज तो सर नल्ला जवाब है, कोई कहना ही नहीं इसमें। तो फिर वहां से मैंने किया और सर मैं अपने स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो स्टार्टिंग में सर मैंने खुद से जो सेल्फ स्कोर बुक था मैं उससे बनाता था, लेकिन जब आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया ना सर तो आपका जो DPT 1, 2 और 3 है तो मैंने सोल्व किया था, करता था थोड़ा थोड़ा बट उस टाइम मैं नहीं कर पा रहा था ज्यादा, मैं बुक था मैं सोल्व करता था खुद का। तो फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया और मैं एक शॉर्टनोट्स बनाता था सर, मैंने एक शॉर्टनोट्स बनाया था उसमें हर एक चैप्टर का कुछ फार्मूला और 10 से 15 क्वेश्चन मैं करता था, ये मेरे को लास्ट के 15 दिन में हेल्प किया था बहुत। तो ये था मेरा स्ट्रेटेजी और डेली सर मैं टारगेट बनाता था, डेली टारगेट बना था सुबह से शाम तक का क्या करना है, उससे सर मेरा टाइम बाउंड अच्छा हो जाता था जिससे डिस्ट्रेक्शन नहीं होता था क्योंकि ऑनलाइन में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही था सर मेरा और लास्ट के सर मेरे 3 महीने 4 महीने मैंने ये किया था पूरा स्टार्टिंग से, सुबह उठ करके पहले फिर सुबह से शाम तक का एक टारगेट बनाना फिर उसको पूरा करने का प्रयास करता था सर, 80-90% तक कर लेता था बट पूरा नहीं हो पाता था। और सर आपका टाइम पर टेस्ट सीरीज देना और उसका एनालिसिस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो फिर मतलब मुश्किल है सर कि उस टाइप के क्वेश्चन को फिर डील कर सके। सही बात। और लास्ट के 15 दिन का सर बताया है तो आपका टेस्ट सीरीज पूरा जो दिए थे उसका फिर से दिए और एनालिसिस करते थे सर अच्छे से, लास्ट के 15 दिन में सर आपका जो DPT 1 और 2 था ना वो टोटल बनाया था सर पूरा स्ट्रेटेजी वाइज में। और सर जो अपना शॉर्टनोट्स बनाया था अपने कॉपी था सर उसमें जितना भी सारा 10-15 क्वेश्चन था वो मैं सर 15 दिन में किया लास्ट के 15 दिन में। वेरी गुड। अच्छा सर एक चीज बताना, हाँ ठीक है बताइए पहले। एक चीज बताना चाहूंगा सर कि मेरा थोड़ा सा अच्छा आ सकता था सर लेकिन एग्जाम के सर जैसे 7 तारीख को एग्जाम था लेकिन 5 तारीख को सर मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम का रूटीन आ गया था और सर उतना अच्छा से हम पढ़ाई नहीं किए थे सर और ऑफलाइन एग्जाम था तो सर ये थोड़ा सा फैक्टर था। ऑनलाइन क्लास हालांकि करते थे कॉलेज का सर, ऑनलाइन क्लास करते थे, असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते थे लेकिन
एक खुद का जो होता है ना वो अच्छा से नहीं हो पाए थे मतलब, तो उससे सर थोड़ा सा मेरे को डिमोटिवेट हुआ था दो दिन, और फिर मैं दो दिन नहीं पढ़ पा रहा सर, तो थोड़ा सा मतलब डिप्रेस हुआ था एग्जाम के दिन, पैनिक हो गया था थोड़ा सा सर, ये था फैक्टर। नहीं तो अच्छा पर उसके बाद भी 5 अगस्त को आप फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे थे और 7 अगस्त को उसके बाद भी आपने निमसेट का एग्जाम दिया और 217 रैंक लाया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अच्छी बात ये कि आपने सेकंड ईयर से क्योंकि यूट्यूब पे इम्पिटस गुरुकुल को फॉलो करना चालू कर दिया था, तो एक माइंड सेटअप हो गया था पहले से कि हमें एमसीए करना है। और देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें इफेक्ट डालती है कि हम अच्छी रैंक लाएं। अच्छा आपने चारों सेक्शन में कितने कितने स्कोर किए थे और किस किस सेक्शन पे कितना टाइम दिया था लगभग? सर मेरा जैसे मैं जो एग्जाम में जो मैंने स्टार्ट किया था बताना चाहूंगा थोड़ा सा, मैंने सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट किया था सर, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन हुआ था बस 5 मिनट के, ठीक है। तो सर वहां से मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था, कंप्यूटर में तो बड़ा गया क्या होगा। और फिर उसके बाद मैथ में गया, तो सर मैथ में स्टार्टिंग में मैंने 25 से 30 क्वेश्चन किए थे फर्स्ट राउंड में, लेकिन उसमें भी टाइम से ज्यादा लग गया था, 50 मिनट के आसपास हो गया था। और मैं तो सर वहां से फर्स्ट राउंड में तो नहीं बना था क्वेश्चन, मतलब हुआ था कि भाई मैथ में नहीं होगा क्या होगा फिर, लेकिन फिर इसके बाद रीजनिंग में आ रहे थे, तो रीजनिंग में मैंने 20 से 25 क्वेश्चन बनाए होंगे फर्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट राउंड में ही थोड़ा सा ठीक था, बट सेकंड राउंड में मैथ बहुत ज्यादा टाइम दे दिया सर, 30 मिनट के आसपास मैथ में सेकंड राउंड में चल गया था, तो फिर पैनिक थोड़ा सा हो गया था सर, तो वो हुआ था जिससे कि सर मैथ में सेकंड राउंड में 2-3 क्वेश्चन भी गलत हो गए थे। ऐसे में मैथ में 5 क्वेश्चन था गलत, लेकिन खुद से गलत मैंने 3 क्वेश्चन मेरा हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक और पैनिक के कारण थोड़ा सा। टोटल स्कोर कितना लगभग मेरा? 552 था सर, 552 आउट ऑफ 932। यस सर, ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा स्कोर था आपका, और सबसे अच्छी बात यह कि आपने एग्जाम भी दिया फाइनल ईयर का, उसके 2 दिन बाद पेपर भी दिया। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर ये नेगेटिव थॉट नहीं आता तो हो सकता है कि 2417 की जगह हो सकता है 17 या 117 कुछ ऐसी रैंक भी हो सकती थी, बट एनीवे आपको अभी बहुत अच्छा NIT कॉलेज अलाउट हुआ, अब आपको वहां पर भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। और आप जिस जगह से हो, छोटे से जगह से हो, आप किस गांव से हो आप? आपने एक जगह बोला झारखंड में, सर झारखंड स्टेट के पलामू डिस्ट्रिक्ट है, उसके उसी का एक गांव है सर, सिंदुरियागढ़ के गांव है। तो ये गांव में भी अवेयरनेस की बहुत कमी होगी, तो मैं कहूंगा आपको एक अवेयरनेस लेनी चाहिए अपने स्कूल कॉलेज में जाके, बच्चों को गाइड करो कि वो समय रहते हुए इस चीज के लिए प्रिपरेशन करें, चाहे वो कोई भी करें। जैसे आपने IIT के लिए सोचा था, पर हो सकता है आपने IIT की प्रिपरेशन लेट की थी, पर वहीं से कहीं ना कहीं मन में ये आ गया था कि मुझे IIT NIT जाना है। और ये एक लूप लाइन है जो बहुत कम लोग जानते हैं, पर ये यूट्यूब और इम्पिटस ने बहुत समय से अवेयरनेस की कोशिश की, इसलिए आजकल बच्चों को पता चल रहा है कि बाई चांस IIT से नहीं जा सकते तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। या सर मैंने 12 कर रहा था सर, तो मैं था ना कि मेरा टाउन है ना वहाँ पे IIT के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं, और यहाँ पे IIT का तैयारी की बात ही नहीं है, तैयारी कोई नहीं करवाता है, बस बोर्ड लेवल का पढ़ाई होता है। तो 12th में सर रांची से मतलब अपना कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए आते हैं, तो उसी से मेरे को पता चला था कि IIT JEE भी कुछ होता है। और मेरा सर मैथ में ही अच्छा है, मतलब 7-8 क्लास से मैथ इंजॉय करता हूँ पूरा। तो फिर वहां से आए थे, वहां से तो बोले थे कि जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है जनरली वो IIT JEE की तैयारी करता है, हालांकि हमको पता नहीं है कि सिलेबस वगैरह क्या है, लेकिन बस ये बोले थे। तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया, सिलेबस देना, तो लगा कि भाई तो मैथ ही सब क्वेश्चन सारा आता है। तो फिर तैयारी की 1 साल, बट 1 साल तैयारी की तो पता चला कि नहीं 1 साल में होने वाला नहीं है, इसके लिए जितना रिक्वायरमेंट टाइम उतना देना पड़ेगा तभी होगा। तो ये फैक्टर था सर। और दूसरी बात है कि सर गाँव में तो कोई जानता ही नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हुआ सर। तो जब मेरे पास मोबाइल स्मार्टफोन आया तभी उसके बारे में पता चला कि IIT JEE या फिर नीम्स होता है जिससे NIT में जा सकते हैं, और इसमें सर आपका ही वीडियो आता था, तो आपके बारे में थैंक यू सर, जिस तरह से आप अवेयरनेस फैलाया इस पर सर। तो अब ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अब आपको भी अवेयरनेस ऐसे ही बढ़ाना है प्रकाश। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।